फ्रेंड्स, आज हमारे पास एप्सन का L311115 3115 ये प्रिंटर आया है। इस प्रिंटर में देखिए समस्या क्या है। कस्टमर हमारे पास जब लेके आया है तो इसमें से इंक ऐसे टैंक में से गिर रही है पूरा। ये देखिए टैंक से ओवरफ्लो हो रहा है। इसको खोल के इसके जो इंक की ये बाहर गिरने की प्रॉब्लम है, ओवरफ्लो, इसको अपन आज सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने प्रिंटर से पावर के कनेक्टर को निकाल दिया है और इस प्रिंटर के जो पीछे का टैंक से इंक निकल रही है वहाँ से अपन को उसको एक नट लगा हुआ है, ये खोल लेंगे पीछे बैक साइड से। इसको खोल लेना है, ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। इसका इंक टैंक फुल हो चुका है। पूरे प्रिंटर में इंक भर रही है। यहाँ से अपन को इसको इसका इंक टैंक बाहर कर लेना है। इतनी समस्या हो जाती है। इसलिए जरूरी है पेंट रूम में हर 6 महीने 8 महीने पेंट रूम की सर्विस करवा लेना चाहिए। ये क्वालिटी पेंट रूम खासतौर से इसका इंक टैंक को बाहर निकालना है। यहाँ पे देखिए एक नट और लगा हुआ है, इसको नट को निकाल लेना है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, इसको पतला पेचकस डाल के अपन खोल लेंगे। हाल ही में इंक टैंक से इंक बाहर क्यों निकल रही है इस समस्या को सॉल्व करना। इतना इंक क्यों फेंक रहा है ये प्रिंटर, देखिए इसको टैंक को अपन निकालेंगे। इसका कैप वहीं पे रहेगा। ये पूरा फुल हो चुका है। ये देखो इसलिए ये इनको बाहर फेंक रहा। देखिए कंडीशन कितनी ख़राब हो गई प्रिंटर। अब हम इस इंक को निकाल के इसके पैड को अच्छे से धो के साफ करके सुखा के फिर इसमें लगाएंगे कल, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरी साफ सफाई साफ कर लेंगे पूरा, इसमें लीकेज का कोई मैटर नहीं है। यहाँ
प्रिंटर से इंक पाइपलाइन से कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेल्फ टेस्ट पेज लिया था हमने, सेल्फ टेस्ट पेज आ रहा है बकायदा, प्रिंटर बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली इसका टैंक फुल हो चुका है, इसके टैंक को हम पूरा साफ कर लेंगे, ओवर हो चुका है। हम मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि ये टैंक ओवर हो जाता है, इस वजह से हमें इसको कैसे खोलना है और इसकी कैसे सर्विस कर लेना है। यहाँ पर पूरा हम अच्छे से सफाई कर लेंगे, थिनर से साफ कर लेंगे इसको। चलिए इसको साफ करना मैं आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने इंक पैड को देखिए अच्छे से साफ कर लिया है, खाली कर लिया इसको और सुखा लिया है। अब हम अपने इस इंक पैड को प्रिंटर में स्टोर कर लेंगे। और हमने यहाँ पे जितना इंक गिरा हुआ था इसको ये पूरा क्लीन कर लिया। इसमें चेक किया मैंने कि कोई भी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह हम अपने इंक पैड को साफ करेंगे। इसको स्टोर करने के लिए वापस हमें अपने यहाँ से फ्रंट के नट हैंगे इनको खोल लेना पड़ेगा। चलिए फिर हम अपने इस केरेज को फिट कर लेंगे। फिर लॉक देख लेना है, लॉक में रख के इसको हमें अंदर कर देना है, फिट अच्छे से कर दें। और फिर इसके दोनों नटों को हमें लगा देना है। देखिए एक नट है का यहाँ पे, इसके टैंक का और एक रहता है यहाँ अंदर इधर पर, दोनों नटों को हमें लगा लेंगे।
इस नट को अच्छे से कस लेना है, ये वाले नट को भी अच्छे से लगा लेंगे टैंक में। फिर हमें अपना स्कैनर है इसको फिट कर लेना। ये प्रॉपरली जब फंसेगा तो ये सीधा सीधा बैठ जाएगा। अरे मान के चलिए देखिए बैठ गया अच्छे से। और हमें अपना यहाँ के फ्रंट के दोनों नट इनको लगा लेना है। जब टैंक ओवर हो जाता है ये उस प्रोसेस को मैं आपको समझा रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ये पाइपलाइन है ये ही हमेशा कहीं से लीक कर रही हो। हमारा टैंक भी ओवर हो जाता है। अब देखिए अब इसका हम जो इसका ढक्कन है इसको लगा लेंगे वापस, ये साफ इसका यहाँ का एक नट है का ये लगा लेंगे अपन। चलिए हम अपने प्रिंटर को चेक करेंगे और यहाँ से भी वॉच करेंगे कि कहीं हमारा इंक कहीं से निकल तो नहीं रहा। पावर केबल लगा लें एक टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लेते। कागज हम लोगों के पास सब इतने टेस्ट पेज होते हैं कि बसते ही नहीं है कागज। इस पे चलिए एक टेस्ट पेज निकाल लेते हैं। टेस्ट पेज निकालने के लिए इंडिकेटर बटन और पावर बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। लाइट ऑन करना पहले
प्रिंटर इनिशियलाइज कर देंगे एक बार पहले। प्रिंटर देखिए इनिशियलाइज हो रहा है। सॉफ्टवेयर का इश्यू होगा इसमें, तो सॉफ्टवेयर अपन लोग रीसेट ला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से हम अपना ये जो टैंक का इश्यू रहता है, टैंक फुल हो जाता है, इसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। टैंक को प्रॉपरली खोल के साफ करके और वापस इंस्टॉल करना, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसको आज अपन ने देखा। ये फोटो कॉपी करके देखे अपन, चलिए एक विजिटिंग कार्ड का अपन फोटो कॉपी किया। इसका प्रिंटर प्रॉपरली चल रहा है और इनिशियलाइज हो रहा है, और इसमें जो इंक फेंकने का इसका था, अब वो इंक कहीं से नहीं आ रही। एक बार इसका सेल्फ टेस्ट भी ले लेंगे। सेल्फ टेस्ट है, इसके पूरे कलर चेक होगा। ओके, इस तरह से हम हमारा ये टैंक का ओवर ओके इंक निकलता है, इसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन अपने आज देखी। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से एप्सन के किसी भी मॉडल का जो टैंक फिल हो जाता है उसको अपन नॉर्मली इस तरह से खाली करके और उसको लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।